हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल नीता टैरो गाइडेंस पे। आप बहुत अच्छे हैं ऐसे मैं आशा करती हूँ। दोस्तों, आज मैं एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है। हम रीडिंग के अंत में चैनल मैसेजेस भी देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। सो रीडिंग को पूरी देखिएगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, साथ ही साथ जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। ओके, तो आप किसी भी मंथ किसी भी ईयर ये रीडिंग देख रहे हो, ये वैलिड है। ओके, तो कलेक्टिव रीडिंग है, आप सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपके साथ जो रेजोनेट होगी वो रखिएगा मैसेज, और जो रेजोनेट नहीं होगी उसे जाने दीजिएगा, क्योंकि इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देखते हैं। पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं आप मुझसे, आपको इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है या फिर आप मुझे मेल भी सेंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ पर आपको सारी प्रोफाइल लिंक मिल जाएगी। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। दो कार्ड आए, ठीक है। पहला आया था एम्प्रेस एंड द स्टार। वाओ, प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। करेंट एनर्जीज क्या है? फाइव ऑफ वैंड्स है, जस्टिस है। हम कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं एंड फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपने पर्सन के बारे में सोचें एंड आपको क्लियरली मैसेज रिसीव होंगे। प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। We have yin and yang. Wow. We have resolving conflict. We have distorted masculine. Okay. And two cards, boundaries. And हमारे पास manifestation का card है. Bottom of the deck is abundance. We will keep this card here. Okay. आपको एक card नजर नहीं आ रहा है, मैं shift कर देती हूँ camera. अब आपको सारे cards नजर आ रहे हैं. Yes. तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज ऐसी है कि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, ठीक है ना, खुद में ही फाइट कर रहे हैं। एंड हो सकता है इस पर्सन के ऊपर में, ठीक है ना कुछ लीगल केसेस भी चल रहे हो, या फिर इनको वर्क प्लेस पे इनको कोई डिफिकल्टी या काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के लाइफ में। हो सकता है किसी ऐसे मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो कुछ लोग, ठीक है। तो उनके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा हो या फिर डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है, सभी के लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन को लगता है समवेयर, ठीक है, कि आपको पाना मुश्किल है, ठीक है। इस पर्सन को फील होता है कि आपको पाना मुश्किल है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। आपको लेकिन ये पर्सन बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं। एंड समवेयर आप इस पर्सन को फील होता है कि यू आर वेरी अट्रैक्टिव, आप बहुत देखने में भी अच्छे हो, आपकी नेचर भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी। एंड समवेयर आप इस पर्सन और आपके बीच में हो सकता है कोई डिफरेंस हो, फाइनेंसिस का हो सकता है, ठीक है। एंड विद द स्टार कार्ड, ये पर्सन आपको विश में मांग रहे हैं, ठीक है ना। एंड मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो हो सकता है आपको ये पर्सन छोड़ के गए तो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। एंड समवेयर इस पर्सन को फील हो रहा है कि अब आपके लाइफ में वापस आना मुश्किल है, ठीक है, बिकॉज आपके साथ बहुत सारे लोग आपको पाना चाहते हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपको कोई भी मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपके आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फाइट हो गया, तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आपको लूज़ करने का, ठीक है। आपसे बात करने का भी मन हो रहा है, बट मैं देख रही हूँ कि आप हो सकता है इस तरह के मोड में हो कि आप चाहते हो कि ये पर्सन पहल करें, एंड ये पर्सन समवेयर डर रहे हैं कि आपसे कैसे बात की जाए, एंड विश मांग रहे हैं गॉड से, ठीक है, कि आप इस पर्सन को कॉन्टैक्ट कर लो। एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है, एंड हीलिंग के प्रोसेस से आपके पर्सन गुजर चुके हैं, ठीक है, गुजर चुके हैं। मतलब हो सकता है इनको कोई हर्ट हुआ था या फिर इस पर्सन की कोई बैड हैबिट रही है, तो उस वो चीज़ ये पर्सन छोड़ चुके हैं, ठीक है। एंड अभी काफ़ी स्टेबल मूड में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, स्टेबल मूड में दिख रहे हैं। एंड विद रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट एंड द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन कार्ड मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने समवेयर आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है पास्ट में, आपकी लिमिटेशंस को समझा नहीं है, आपको बहुत चीज़ों के लिए हो सकता है फोर्स किया हो, आपसे झूठ बोले हो, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी है। अगर फीमेल भी है तो उनके अंदर ये मैस्कुलिन की एनर्जी है, समवेयर बहुत ही अग्रेशन या अपने आप को ही दिखाना कि मैं ही सही हूँ, मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ इस रिलेशनशिप में, आप मेरे लिए आओ, मैं आपके लिए नहीं आऊँगा या आऊँगी, ठीक है। तो समवेयर ये चीज़ मैं देख रही हूँ, बहुत झूठ भी बोला हो सकता है आपके पर्सन ने, इस वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहे हो, लड़ाई झगड़े रहे हो, ठीक है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा आपको इस पर्सन की वजह से तकलीफ़ें आई हैं, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी गलती करते गए हो एंड आपने अपनी बाउंड्रीज को ना केयर करते हुए अपने आप को मजबूर करके इस पर्सन की खुशियों का ध्यान रखा है, ठीक है। आपको जस्टिस मिलेगी, ये पर्सन आपको जस्टिस देने के मूड में, ठीक है, कि आपने तो बहुत अच्छा किया, अब मैं आपको जस्टिस दूंगा। समवेयर इस पर्सन को किसी और पर्सन के द्वारा, ठीक है, समझाया गया या ठोकर मिली है, हो सकता है वर्क प्लेस पे, ये कहते हैं ना कि जब हम बुरा करते हैं तो हमें भी लेसन सिखाए जाते हैं, तो आपके पर्सन की ऐसी एनर्जीज चल रही है, ठीक है।
इनको समवेयर समझ में आ रहा है कि मैंने ये बुरा किया तो सामने वाले को भी बुरा लगता है क्योंकि कोई और इस पर्सन के साथ बुरा करके गया है, तो इनको रियलाइज हो रहा है कि मैंने अपने पर्सन के साथ बुरा किया है। विद द येन एंड यांग कार्ड, यस, इस पर्सन के अंदर इनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो रही है। सो मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के अंदर काफ़ी बैलेंस आ रही है, ठीक है। इनकी एनर्जीज डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की तरह रही है, बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस, बहुत ही नेगेटिव आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंस, बुरा भला कहना, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरी बातें कह के गए हो आपके पर्सन को, इतना ज़्यादा कि आपको बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हुआ है, ठीक है। तो आपके पर्सन की हीलिंग हो रही है एंड समवेयर इनको रियलाइजेशन भी हो रही है। हो सकता है ये पर्सन मेडिटेशन करना शुरू किया है, ठीक है, तो इनके दिमाग में पीस आ रही है, कुछ बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आपने हो सकता है इस पर्सन को ब्लॉक करके रखा हुआ है, या फिर आप इस मूड में हो कि अभी इस पर्सन को टाइम दिया जाए, ठीक है, एंड ये पर्सन आपकी तरफ आए, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। बट समवेयर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड हो, ये आपका जो अभी चल रहा है टाइम, आप दोनों ही सैड हो, दोनों ही दिख रहे हो, वेट कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील हो रहा है, ओके। आप दोनों ही पर्सन मिलना चाहते हैं एंड समवेयर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हो, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है। चलिए हम और भी कुछ कार्ड्स लेते हैं एंड क्लैरिफाई करते हैं। एम्प्रेस कार्ड क्यों है, वाई इज़ द एम्प्रेस कार्ड हियर, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी, वाई इज़ द एम्प्रेस कार्ड हियर। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कैंसर, पाइसेस स्कॉर्पियो, अक्वेरियस इंपॉर्टेंट है, फायर साइन एरिस लियो सजिटेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है। वाई इज़ द एम्प्रेस कार्ड हियर, एंजल्स हेल्प मी, वी हैव द सेलिब्रेशन, ओके। वाई इज़ द स्टार कार्ड हियर, वी हैव मोरालिटी विच इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। Why is five of swords card here? Five of wands card here, not swords. My God, five of wands के लिए five of wands का ही card आया है. Okay, why is justice card here? क्या बात है? Five of wands को five of wands ने ही clarify किया है. Justice का card क्यों है? Innocence. Wow. Bottom of the deck is the rebel. Okay. So. विद द एम्प्रेस कार्ड एंड द सेलिब्रेशन कार्ड मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ यूनाइट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, मिलना चाह रहे हैं। थ्री थ्री नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, तीन दिन के बाद आपको ये पर्सन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि आपको ये उस पर्सन ने हो सकता है कहीं पर देखा हो, मार्केट में, घर के पास, कहीं पर भी, ऑनलाइन, दूर रहते हो तो ऑनलाइन देखा है, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ देखा है, तो इस पर्सन को फील हो रहा है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड समवेयर हो सकता है आप अगर फीमेल हो तो मेल फ्रेंड के साथ देखा है, मेल हो तो फीमेल फ्रेंड्स के साथ देखा है, तो इस वजह से आपके पर्सन को काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ हो रही है, इनको लग रहा है कि कोई ना कोई आपको लेके चला जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपके पर्सन को फील हो रहा है। आप एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही केयरिंग पर्सन हो जिनके साथ इस पर्सन ने काफ़ी अच्छा टाइम बिताया, तो उन चीज़ों को भी ये पर्सन याद कर रहे हैं। विद द स्टार एंड द क्वीन ऑफ सोर्स कार्ड, इस पर्सन को डेफिनेटली फील होता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के पर्सन हो, ठीक है, आप बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन हो, बहुत ही सच्चे पर्सन हो, ठीक है, ये चीज़ रियलाइज़ कर पा रहे हैं आपके पर्सन, आपका आपकी इनोसेंस, आपकी ट्रूथ को ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, ओके। एंड समवे इस पर्सन को फील हो रहा है कि इस पर्सन ने तो आपको बहुत हर्ट किया है एंड आपने बिना कुछ कहे सब कुछ सहा है, ठीक है, तो आपको कैसा फील हुआ है, तो ये चीज़ ये आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंट्स एंड फाइव ऑफ पेंट्स का कार्ड दोनों ही यहाँ पे है, देख पा रही हूँ आपके पर्सन को डेफिनेटली बहुत इनसिक्योरिटीज़ हो रही है कि आप के लिए बहुत सारे लोग फाइट करते हैं। समवेयर हो सकता है किसी ने, आपके ही फ्रेंड ने बताया है कि वो भी लाइक करते हैं आपको, इस चीज़ को लेके काफ़ी इनसिक्योर है आपके पर्सन, है ना, तो जब हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ होती है हम उसका केयर नहीं करते, जब वो चीज़ हाथ से छूटने लगती है, खोने लगती है, तब हमें डर होता है, तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस। एंड समवेयर आप जिस हैप्पीनेस के हकदार थे, जो जस्टिस आपको नहीं मिला था, ठीक है, वो हैप्पीनेस आने वाली है। 10 सन का कार्ड है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है, तो आपके पर्सन की तरफ से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं गलतियों के लिए। एंड ये चीज़ आपके पर्सन आपको बताएंगे ना कि बहुत इनसिक्योर है, आपको खोने से डर रहे हैं, बट ये पर्सन है, ठीक है। समवेयर इस पर्सन को बहुत फील हो रहा है कि यू आर वेरी अट्रैक्टिव, यू कैन गेट एनी वन, ओके। एंड ऐसा हो सकता है आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, तो आपके पर्सन के सामने जाके उसने आपकी तारीफ कर दी है, तो और भी इनसिक्योरिटीज़ मुझे नजर आ रही है, ठीक है। समवेयर बहुत ही हैप्पीनेस आने वाली है, लेट्स सी और हमें क्या पता चल रहा है। नंबर थ्री आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर फाइव फाइव इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एट नंबर कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Perspective, examine your situation from a higher perspective. Okay, यहाँ भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं एंड यहाँ भी, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने हो सकता है आपको बहुत ही हर्ट किया हो, बट अभी आपको आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा एक गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है, इनको लग रहा है कि वो चीज़ करनी नहीं चाहिए थी आपके साथ, ठीक है, बुरी चीज़ें जो इन्होंने की वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी आपके साथ, हाथ मिलाने के लिए यानी आपके पास रियूनाइट होने के लिए पर्सन आना चाह रहे हैं। लाफ्टर लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न, ठीक है, समवेयर इस पर्सन को फील हो रहा है कि आप इनके बिना भी अपने लाइफ में बहुत खुश हो, तो ज़्यादा ही इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, कि आप मूव ऑन कर जाओगे या फिर छोड़ के चले जाओगे आगे, तो वो चीज़ है।
इनको इनको सहन नहीं हो रहा है कि इनके बिना भी आप कैसे खुश हो, ठीक है? हो सकता है आप दुखी हो, बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप हैप्पी हो. लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड. इस ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको सुनो, ठीक है? इनकी बातों को सुनो. माफ़ी मांग सकते हैं, ये पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं. ओके, वी विल टेक वन मोर कार्ड. Choices, there is another way. Ask your unicorn to help you find it. So, दिख रहा है यहाँ पे choices का कार्ड है. आपके पास बहुत सारे choices हो सकते हैं. इस person को feel हो रहा है यहाँ पे choices का कार्ड आया है. दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ठीक है? जब भी हम किसी person के सामने neediness रखते हैं, ये बार बार उसको बोलते हैं कि आपके बिना हमारी life नहीं चलेगी, ठीक है? आप हमारे लिए बहुत important हो and आपके बिना मैं बर्बाद हो जाऊँगा, कुछ भी नहीं रहेगा मेरे पास, ठीक है? मैं रोते रोते मेरी हालत ख़राब हो जाएगी. जब भी ऐसी एनर्जीज हम किसी के सामने रखते हैं तो धीरे धीरे वो पर्सन हमारी इंपॉर्टेंस को लूज़ कर देता है. इसीलिए मैं आपको हमेशा रीडिंग में बोलती हूँ कि आप खुद पे वर्क करो, ठीक है ना? यस, आप किसी को पसंद करो तो उनके लिए लॉयल रहो, ऑनेस्ट रहो, बहुत ही अच्छी बात है. बट समवेयर आप पूरी तरह से ये मत कह दो कि आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है? तो ऐसा क्या होता है कि वो पर्सन हमारी इंपॉर्टेंस को लूज़ कर देते हैं, ठीक है? उनको लगता है कि फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, ये चीज़ है, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि आप करेंटली इस एनर्जीज में हो. अगर नहीं हो तो फिर ऐसी एनर्जीज में आ जाओ कि आप खुद पे वर्क करो, ठीक है? आपके पर्सन ने गलती की है तो इस टाइम उनको चांस दो कि वो आपके आपको चीज़ें क्लियर करें, ठीक है? हर दम उनके सामने जाके गिर जाना, माफ़ी मांगना आपकी गलती नहीं है तो भी, तो फिर ये चीज़ें नहीं होती. जब हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं देन हमें सामने वाला रिस्पेक्ट करता है. इस बात को हमेशा ध्यान रखो. एंड ये मैसेज यहाँ पे हम आया है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आप अब हो सकता है करंटली काफ़ी पावरफुल बन रहे हो, खुद पे वर्क कर रहे हो, तो आपकी पर्सन को लग रहा है कि भाई इस पर्सन में भी पावर है, ये पर्सन आगे बढ़ सकता है, ठीक है? ये सब कुछ कर सकता है, ठीक है? मैंने इस पर्सन को ग्रांटेड लिया है. तो ये चीज़ें मुझे दिख रहा है कि आपकी पर्सन को रियलाइज़ हो रही है, इसलिए ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं. तो जब आप खुद पे वर्क करते हो, जब आप खुद पावरफुल बनते हो, देन आप ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो एंड देन आप फिर अट्रैक्ट करते हो लव को, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है. यू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ, सेल्फ लव करो, ओके? ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं. प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी. वी हैव टू मेनी कार्ड्स, तो हम फिर से सफल करेंगे. वी हैव द गार्डन एंड द गेट. नंबर 30, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है. फिर आप दोनों सेपरेटेड हो तो आपके पर्सन को आपके पास आने में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है? डर लग रहा है कि आप क्या कहोगे, माफ़ करोगे, नहीं करोगे, काफ़ी इनसिक्योर. हमारे पास हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, ठीक है? हीलर ऑफ द एजेस यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. समवेयर आपके पर्सन की हीलिंग भी चल रही है, ओके? वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांग के आपको अपना लव ऑफर करेंगे. एंड कुछ लोगों के लिए 44 नंबर 33 कैन बी इंपॉर्टेंट. आप लोग ट्विन फ्लेम में कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है? एंड ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, फिर से आपको कोई मैसेजेस भेज सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है ना? ब्लॉसमिंग अबंडेंस का भी कार्ड है, सो हैप्पीनेस मिलेगी. एंड बोला एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आ गया, सो आप काफ़ी हैप्पी फील करने वाले हो. काफ़ी टेंस्ड और एंजाइटी हो अपने रिलेशनशिप को लेके कि क्या होगा, आपके पर्सन छोड़ के चले गए हैं या फिर कोई भी कनेक्शन में प्रॉब्लम है तो वो रिजॉल्व हो जाएगी. हमारे पास यहाँ पे रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट का कार्ड है, सो दैट प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व. आपको टेंशन लेना नहीं है, ओके? स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, ठीक है? तो अगेन स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आप इस टाइम अभी अपने पर्सन को टाइम दो, वो सोचेंगे, समझेंगे, चीज़ों पे वर्क करेंगे एंड आपकी तरफ रिटर्न होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है? तो काफ़ी हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें खराब भी हो सकती हैं, सो हड़बड़ी नहीं दिखाना है, थोड़ी सी मैच्योरिटी रखो. पोवर्टी, ओके? काफ़ी सैड एंड बैड एनर्जी है, यानी कहने का मतलब ये कि आपके पर्सन बहुत ही अभी सैड फील कर रहे हैं, ठीक है? उनके अंदर ऐसी है कि उनको माफ़ी मांगने की भी मन कर रही है एंड समवेयर वीक फील कर रहे हैं, कमज़ोर फील कर रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है. प्रिविलेज लेडीज, पर्सन को फील हो रहा है कि यू आर अ प्रिविलेज लेडी. अगर फीमेल हो तो, मेल हो तो पर्सन को फील हो रहा है कि आप काफ़ी इंपॉर्टेंट लेडी हो, ठीक है? हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर केयर करने लगे हो, अपने आपको अच्छे से सजा रहे हो, संवार रहे हो, तो ये आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है. आपका बर्थडे दिसंबर में आता हो. कोर्ट हाउस का कार्ड है, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन किसी बहुत ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं. अनदर थिंग इज दैट कि ये पर्सन जज, लॉयर हो सकते हैं, ठीक है? एंड वर्क का प्रेशर भी हो सकता है. डिवोर्स सेपरेशन के प्रोसेस से भी कुछ लोगों के पर्सन गुजर रहे हैं. कम्युनिटी, वाओ, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है. आप दोनों किसी शादी पार्टी, मैरिज फंक्शन में मिल सकते हैं, यहाँ पे ये चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है? अगर नहीं मिले हो तो मिल सकते हो अचानक से. कंसर्न, आपके पर्सन बहुत ही वरीड है, ठीक है? फैमिली को लेके हो सकता है कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपके पर्सन बहुत वरीड नजर आ रहे हैं. लवर्स का कार्ड, आपके इस पास जल्दी से जल्दी यूनाइट होना चाहते हैं. आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लव फील हो रहा है इस पर्सन को, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन एंड बहुत ही अनकंडीशनल लव फील कर पा रहे हैं ये पर्सन आपके लिए, ठीक है? नंबर 6 कैन बी इंपॉर्टेंट. मच्योर मैन का कार्ड, वुमेन का कार्ड, आपको मच्योर होना है, ठीक है?
चलिए हम कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं एंड देख लें क्या बताया जा रहा है आपके लिए। मर्मिट्स क्या बोल रही हैं? एक्सेप्टेंस, आपको कुछ चीज़ों का एक्सेप्ट करना है, ठीक है, तो वो चीज़ें आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्सेप्ट करनी है। लेटिंग गो, ओ माई गॉड, ठीक है, तो आपको कुछ शायद पता चला है आपके रिलेशनशिप को लेके, तो आप उसको एक्सेप्ट करो एंड जो भी नेगेटिव चीज़ है उसको लेट गो करो, ठीक है। लेट गो करके आगे बढ़ो एंड थोड़ा सा आप पावरफुल बनो, ठीक है ना, पावरफुल बनो। कम्युनिकेशन, आपके पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन आ सकता है। आपके पर्सन आपकी बहुत सारी फोटोज़ देख के उसको याद कर रहे हैं, आपको, आपकी मेमोरीज़ को, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपको रिमेंबर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। चलिए हम और भी कार्ड्स ले लें एंड देखें। डी ड्रीम्स एंड डिसीजन, आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा डी ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। मेमोरीज आपको, आपके बारे में बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है, आपकी फ़ोटोज़ हो, मैसेजेस हो, उन सभी चीज़ों को देख के। एंड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के मूड में भी है। 9 नंबर, डार्केस्ट फियर्स का कार्ड है, इनको डर लग रहा है आपके पास आने से, ठीक है, डर लग रहा है कि इन्होंने तो आपको बहुत हर्ट कर दिया एंड इस चीज़ के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा थिंक भी कर रहे हैं। बिलीव एंड सक्सीड, वाओ, 6 ऑफ पेंट्स का कार्ड है, बहुत सक्सेसफुल आपका रिलेशनशिप बनने वाला है, यानी कि एक हैप्पीनेस का टाइम आने वाला है, ठीक है, बहुत हैप्पीनेस। एंड लवर्स का कार्ड है, तो आप दोनों के बीच में फिर से प्यार गुजरेगा, ठीक है, आप दोनों के बीच में फिर से प्यार आएगा। नंबर 6, अगर ऑलरेडी साथ में हो तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको लेके बहुत ही पॉजिटिव भी हो जाएंगे, आपके प्रति बहुत केयर, बहुत लव होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिखाएंगे कि ही लव्स यू, सी लव्स यू, बार बार बोलेंगे, गिफ्ट्स देंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज लीड, आपके प्रति कोई इंपॉर्टेंट एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। रिबिल्ड का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में हो सकता है टेंशन, लड़ाई झगड़े चले हो फैमिली को लेके, बट अभी आप ये पर्सन सब कुछ ठीक कर देंगे। एंड ट्रस्ट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि द फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। सो आपके बीच में फिर से नई बिगनिंग होगी एंड बहुत ही सक्सेसफुल एंड ब्यूटीफुल बिगनिंग होगी। चलिए एंजल्स की तरफ से आपके लिए कुछ गाइडेंस लें, फिर हम चैनल मैसेजेस देख लेंगे। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मूड, बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन इमोशंस हो रहे हैं, इमोशंस इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। एंड आपके भी इमोशंस बहुत ज़्यादा है ना, समवेयर आपको फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच भी रहे हैं कि नहीं, मैं देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि इमोशंस आर रनिंग हाई, बता ही रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको विश्वास रखना है, ठीक है ना। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर क्या आया है, बिलीव एंड सक्सीड, भरोसा रखो, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है ना, अपनी बातों पर भी भरोसा रखो, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, आपने बहुत ही ज़्यादा टफ साइकिल देख लिया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऑन सिचुएशन देखा, बहुत ही ज़्यादा पूरे बातों को सहा, अब वो सभी चीज़ें खत्म होने वाली हैं। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। चलिए हम कुछ चैनल मैसेजेस देख लें आपकी पर्सन की तरफ से आपके लिए। व्हाट आर द चैनल मैसेजेस फॉर यू, फॉर माई व्यूअर्स, फॉर माई ब्यूटीफुल एंड लवली व्यूअर्स, क्या है? प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स, क्या है चैनल मैसेजेस हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से। योर वॉइस इज़ माई फेवरेट साउंड, आपकी वॉइस आपके पर्सन को बहुत पसंद है, चाहे आप इस पर्सन को गाना गा के सुनाते हो या फिर बोलते हो तो भी, ठीक है। समटाइम्स आई फील लाइक गिविंग अप, आपके पर्सन को कभी कभी लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हार जाएंगे, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट एक्शंस लेना है वो नहीं ले पाएंगे, बट होगा, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग, नई शुरुआत आने वाली है। एंड मैंने आपको कार्ड से भी बताया, न्यू मैसेज यहाँ पे कंफर्म हो रही है। आई लव यू ओनली, ये पर्सन आपको कह रही है सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, आपको टेंशन लेना नहीं है। विल टेक दिस वन, ओके, आई वॉन्ट टू मैरी यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मैरी यू, आपको प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग मी, आप इस पर्सन को रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। आई डिड नॉट लाइक वॉट यू टोल्ड मी यस्टरडे, हो सकता है आपके साथ लड़ाई झगड़े हुए, कल हुए हैं, कुछ बातें हुई हैं, कुछ समय पहले भी हो सकता है, बट जो भी बुरा भला कहो, आपके पर्सन हर्ट हुए हैं। ऑल आई नीड इज़ योर राइट हियर, आपके पर्सन चाहते हैं कि अभी आप सिर्फ उनके पास रहो, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट और कॉल, ये पर्सन आपके टेक्स्ट और कॉल का वेट कर रहे हैं। सो दिस वॉज द मैसेज फॉर माई व्यूअर्स, आई होप सो यू लाइक द रीडिंग, ऐसा है तो मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।